ये देखिए ऐसी पूरियां बनेंगी गाइस, सारी की सारी बिल्कुल ही क्रंची सी। आप मतलब देख के भी ऐसे बोलेंगे यार कितनी बढ़िया पूरी बन गई है। ये देखिए आप खुद ही मतलब मैं आपको ना, हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, सुबह सबेरे से 6:30 हो रहे हैं गाइस, जल्दी चलते हैं, धूप हल्के हल्के आ गई है और जल्दी नाश्ता तैयार करते हैं। ठीक है चलिए आइए फटाफट से। हमें क्या करना है गाइस, हरे वाले कद्दू बनाने के लिए, हरे वाले कद्दू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कद्दू ऐसे करके कट कर लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने मिर्ची भी डाल ली है उसमें, और 1 कप बड़ा कप से दूध ले लेना आपको। और ये देखिए मैंने तेल रख दिया है कढ़ाई में, तेल गरम होने को रेडी है। इसमें मैं अजवाइन छौंक जो लगाऊंगी, मैं किस चीज का लगाऊंगी, अजवाइन का। तेल से धुआं आने लग गया है, अब मैं डाल देती हूँ अजवाइन। तो मैं डाल देती हूँ उसमें अजवाइन, ठीक है। अजवाइन जैसे ये देखिए अजवाइन ऊपर आ गया, अब मैं इसमें कद्दू कटे हुए डाल देती हूँ। ये देखिए गाइस मैंने कटे हुए कद्दू इसमें डाल चुकी हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, इनको सब पलट देती हूँ, ठीक है। ऐसे करके ऑयल में जो जो ऑयल मतलब इसमें ऑयल लगना चाहिए, हर एक कद्दू के पीसेस में ऑयल लगना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें क्या डालूंगी, हल्का अपना नमक, धनिया, अपने स्वाद अनुसार हल्का सा गरम मसाला, हल्दी, और ज्यादा नहीं क्योंकि हरी मिर्च यहाँ की बहुत तेज है, तो 1 कट्टर रखी है मैंने, और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया है, ठीक है। अब इसको ऐसे पलट दूंगी, ऐसे करके मैंने सारे जो टुकड़े हैं ना उसमें मसाले लग चुके हैं पीसेस में। अब मैं इसमें ढक्कन रख दूंगी, ठीक है। कुछ 5 मिनट बाद एक बार पलट दूंगी और जब देखती हूँ आगे। सुबह के टाइम है, कद्दू के साथ मुझे पूरी बनानी है, तो पूरी के लिए सबसे पहले बड़े चम्मच से 1-2 चम्मच आग ले लीजिए, देसी घी थोड़ी सी, सॉरी सॉरी हाँ गिर गया वो, कोई बात नहीं, वैसे भी उसे गूंथना ही है मुझे। और ये कस्तूरी मेथी, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा धनिया, हल्दी, मिर्च और गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, ओके। ये देख सकते हैं गाइज मैंने ना आटा पूरा मिक्स कर लिया, आप अच्छे से देख लीजिए, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल आटा, ठीक है, मिक्स करके, ओके। अब मैं इसको गूंथ लेती हूँ, ओके। पूरी का आटा गूंदने के लिए मुझे चाहिए 1 ग्लास दूध, सो मैंने यहाँ पे रखा है। और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, चाहे आप रोटी वाला जो आटा होता है उसको भी अगर दूध से गूंथो ना तो बहुत अच्छा उसमें स्ट्रक्चर भी आता है और बहुत अच्छा टेस्टी खाने में भी रोटी होती है और पूरी भी बहुत अच्छी बन जाती है, ओके। अब मैं सो गाइज यहाँ पे मेरा पूरी का आटा गूंथ के रेडी है, आप देख सकते हैं मैंने टाइट गूंथा है। ये देखिए ऐसे गूंथना है आपको, बहुत गीला भी नहीं, बहुत सख्त भी नहीं, तो मतलब जिससे आपकी पूरियां इतनी अच्छी बन जाए कि वो ऑयल ज्यादा ना सोखे, ठीक है। साथ ही अब देख लेते हैं ये कद्दू जो मैंने रखा था पकने के लिए, हल्के गर्म, ये हल्का हल्का पकना शुरू हो चुका है, मुझे बिल्कुल इसको गलाना है, ठीक है, इसका हलवा टाइप का बनाना है, तब मैं इसमें दूध डालूंगी। दूध जो करेगा इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा कर देगा, खाने में इतना टेस्टी होगा कि आप अगर पास होते ना देखते ही रह जाते, जाते ही रह जाते हैं, उन्हें इतना टेस्टी होता है ये, ठीक है। अभी मैं इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ पहले। सो मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है अभी, इसलिए मैं ना फटाफट से मुझे लोइया बना के इसकी पूरी बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटा इसको रेस्ट पर छोड़ दीजिए, उससे क्या होता है ना पूरी एक तो सॉफ्ट और बिल्कुल नरम बनती है, और ऊपर से क्या बोलते हैं कुरकुरी बनती है, और जब बनती है ना तो ऐसे आप ऐसे करोगे तो वो अलग अलग में टूट जाएंगी, ऐसी बनती हैं। और अब मैंने
कद्दू अच्छे से मैश कर लिया, आप देख सकते हैं। मैं इसमें डाल देती हूँ दूध, ये देखिए मैं दूध डाल देती हूँ इसमें जितना चाहिए होगा, ठीक है। दूध मैंने डाल दिया है क्योंकि कद्दू की सब्जी बड़े कटोरी से एक कटोरी होगी, ज्यादा नहीं बनाई है मैंने, ठीक है। अभी सुबह के ही ब्रेकफास्ट के लिए ही है ये, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले। तो गाइस मुझे लग रहा है थोड़ा और दूध की कमी पड़ रही है, इसमें और दूध डाल देती हूँ, साथ ही ना इसमें ढक्कन रख के ढक्कन रख देती हूँ, ठीक है। इसको पलट के थोड़ा सा मिक्स करके ढक्कन रख देती हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो गाइस हम कद्दू की सब्जी देख लेते हैं, ये देखिए ये ऐसी हो चुकी है बिल्कुल बढ़िया वाली एकदम, ठीक है। ये देखिए ऐसी हो चुकी है। अब ये मैं फ्लेम कर देती हूँ बंद, इसको उतार देती हूँ और इसको ट्रांसफर कर दूंगी मैं एक कटोरी में बड़ी, ठीक है। सो ये देखिए गाइस मैंने इसमें ना इसमें ट्रांसफर कर दिया और ये चाशनी रख दी है, मतलब उसके लिए इसको जल्दी से साफ करके मैंने पूरी बनाने के लिए इसमें तेल रख दिया है। और ये देखिए कद्दू की सब्जी ऐसे होनी चाहिए बिल्कुल, और इसका स्वाद ऐसा आ रहा है ना अभी जैसे खुशबू आ रही है जैसे हलवे की नहीं आती ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा रेडी, अब इसको रख देती हूँ और साथ ही बनाती हूँ पूरियां, ठीक है। मैंने बोला था ना गाइस ऐसी बनेगी बिल्कुल फूली फूली सी, ये देखिए आप पूरे अच्छे से देख सकते हो, बोले भटूरे की तरह पूरी फूलेगी वो, ये देखिए, ठीक है। ये मेरी पहली पूरी है, ये देखिए, ये देखिए ऐसे पूरी बहुत गर्म हो रही है, दिखाती हूँ आपको फोड़ के इसको, ये देखिए गाइस ऐसे ऐसे ये इस टाइप की बनाई, और ना इसने तेल सोखा है ज्यादा, और ये इतनी मतलब बढ़िया हुई है ना क्या बताऊं। मैंने कल भी पूरी बनाई थी क्योंकि बेटी बोल रही थी उसको बहुत मतलब बहुत ही पसंद है तो इसलिए मैंने बनाया, बोलती तो अभी क्या ही है, खैर बोलती है मतलब पूरी के लिए सारा करती है कि उसको पूरी चाहिए करके, तो मैंने उसके लिए बनाई थी, लेकिन आज भी बनाई तो आज बहुत खुश हो जाएगी इसको देख के। सो आपको दिखा दिया मैंने इस टाइप की, बिल्कुल ही बहुत ही शानदार और खाने में इतनी टेस्टी कि एक बार आप इसको खाओगे ना पूरी कचौरी ये सब कचौरी वगैरह खाना ये सब भूल जाओगे, इसी को बनाओगे आप, एक तो खाने में भी इतनी टेस्टी और दूसरा इतना हेल्दी बॉडी के लिए, ठीक है। अब मेरा पूरी और कद्दू की सब्जी बनके रेडी है गाइस, और सारा बन चुका है मेरा खाना, और आप लोगों के लिए मैंने थाली सजा दी है, तो आप लोग आ जाइए जी जिसको भूख लगी है, सवेरे का टाइम है, ऑफिस जाने वाले जो ऑफिस जा रहे हैं जल्दी से आ जाइए खाने के लिए, और क्या बोलू। तो गाइस ये पूरी का तो मैंने बता दिया आपको कितनी टेस्टी है, और साथ ही ना ये जो सब्जी बनी है ना इसका जो इसके साथ मतलब टेस्ट आता है वो तो लाजवाब आता है, शानदार बिल्कुल। और आप लोग भी बना के खाइएगा, और अगर आपको अच्छी लगे आप जैसी भी आप बोलोगे ना कमेंट करके कि हमने बनाई और ऐसी बनी थी या अच्छी, बुरी तो नहीं बनेगी बहुत अच्छी बनेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कैसा बना। और जो पूरी बनी है ना गाइज इनको तो मन कर रहा है हाँ जल्दी से खा लूं गरम गरम, ठंडी पूरी का मजा नहीं आता, गरम गरम जो कुड़कुड़ी होती ना उनका खाने का मजा ही कुछ और आता है, वो भी कद्दू की हरी कद्दू की सब्जी के साथ, ठीक है। कद्दू पूरी कद्दू रायता और पूरी और मतलब पूरी तो भाई किसी चीज के लिए भी मतलब बढ़िया है कि रायते के साथ तो और ही ज्यादा टेस्ट लगती है, कभी ये भी रेसिपी लाऊंगी आप लोगों के लिए। सो गाइज बाय बाय, लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह की नई नई वीडियोस लाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आते रहेगा। सो बाय बाय गाइज।